हेलो फ्रेंड्स, माय सीजी एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के लिए। ये बहुत सारे अदर कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपका आपके लिए स्पोर्ट्स के स्टार्ट करूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको अगर ये क्विज पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक, प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए स्पोर्ट्स क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है पोलो, ऑप्शन सी क्रिकेट एंड ऑप्शन डी फुटबॉल। तो ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल तो आप सभी को पता होगा, इसके लिए ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन लिखा हुआ है इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉकी। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगभग सारे एग्जाम में आ चुका होगा, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, हॉकी का जादूगर इसे कहते हैं, और ये सब आप सबको पता भी होगा। इसका ऑप्शन ए है विजय कुमार, ऑप्शन बी है समरेश जंग, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद, इनको कहा जाता है हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा है? ये भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शतरंज का जन्मदाता देश, तो मैं ऑप्शंस आपके सामने रखता हूँ, इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर भारत है। जी हाँ, शतरंज का जन्मदाता देश भारत है। क्वेश्चन से सुनने से लगता है कि ये इंग्लैंड का होगा, लेकिन नहीं, ये भारत में ही जन्मा है। अगला क्वेश्चन है, फ्री थ्रो किस खेल में दिया जाता है? जी, फ्री थ्रो, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए तैराकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जी, खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है द्रोणाचार्य, दूसरा अर्जुन, ये एक मिसप्रिंट हो चुका है, एक्चुअली अर्जुन है, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा द्रोणाचार्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? किस प्लेयर को हम रॉयल रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? ये क्रिकेट के एक प्लेयर है जिनको हम रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। उसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सोहेब अख्तर, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप सोचिए, मैं बताता हूं, इसका सही आंसर है सोहेब अख्तर। सोहेब अख्तर को रावल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जब ये बॉलिंग करते थे तो इनकी स्पीड करीबन करीब रावलपिंडी एक्सप्रेस के बराबर होती थी, इसलिए इनको, शोएब अख्तर को जी को, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगा खा कप किस खेल से संबंध है? आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है बेसबॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन ए फुटबॉल। कबड्डी के खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में
नंबर ऑफ प्लेयर की संख्या क्या होती है? तो इसका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है 7। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में, एक टीम में, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हो जाएंगे 14, लेकिन एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस बॉल की को और किस नाम से जाना जाता है? टेबल टेनिस जो गेम होता है उसको एक और नाम है, उस नाम को पूछा जा रहा है। पहला है ऑप्शन ए है कॉक बॉल, ऑप्शन बी है पिंग पोंग बॉल, ऑप्शन सी है लट्टू, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, लट्टू होना चाहिए था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अभी तक तो मैंने इसे देखा नहीं है लेकिन हो सकता है ये आपके एग्जाम में आए। सो इसका सही आंसर होगा पिंग पोंग बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड किस शहर में स्थित है? दिस इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी नोन क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। फिरोज शाह कोटला, जो आप लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको तो ये तुरंत आंसर आ गया, दिमाग में आ गया होगा कि फिरोज शाह कोटला कौन से ग्राउंड, कौन से शहर में स्थित है। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं उनको भी जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट के स्टेडियम जिस भी शहर में है और वो फेमस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो इसका सही आंसर, मैं पहले ऑप्शन पढ़ूं, ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है दिल्ली।